पर्दे की इस्लाम में खसूसी अहमियत बयान की गई है और मर्दो जन को 70 पोशी के साथ शर्मो हया को भी मुकदम रखने का हुक्म दिया गया है। यही वजह है कि मर्द के लिए किसी भी औरत पर दूसरी निगाह डालना जायज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शर्मो हया वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को भी इसका दर्स दिया। एक हदीसे मुबारका में आता है कि हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे वाली कवारी लड़कियों से ज्यादा बाहया थे। जब कोई बात ऐसी देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती तो हम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मालूम हो जाता। दोस्तों, चुनाचे इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह ताला और उनके नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अहकामात पर अमल पैरा होना ही दीन इस्लाम है, जो मोमिनीन और मोमिनात को हिजाब यानी पर्दे के हवाले से सख्ती के साथ अमली जामा पहनाने का हुक्म देता है। कुरान करीम में इरशादे बारी ताला है, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजिबे जीनत भी है, और तकवा का लबास ये इससे बढ़कर ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम में औरत के पर्दे के हवाले से और मर्द के पर्दे के हवाले से खुसूसी तालीमात दी गई हैं और इंसान को बताया गया है कि किस तरह से इंसान ने पर्दा करना है, और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और इसे कहा जाता है कि जब फहाशी बेहयाई बहुत ज्यादा होगी वो क्यामत के करीब का दिन होगा। आज की इस वीडियो में औरत के लिबास और पर्दे के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। अल्लाह ताला ने उनके जरिए जो तालीमात हम तक पहुंचाई है, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लास्ट में देखिएगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि औरतों के बालिग होने के बाद जायज नहीं कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा बजस चेहरे और हथेलियों के नजर आए। अल्लाह ताला ने औरत को छुपे रहने की तलकीन फरमाई है ताकि उसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा हो और वो फवाहिशात और मनकरात के फैलने का सबब ना बने, यानी कि उससे जरिए फहाशी ना फैले। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि उनकी बहन हजरत अस्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और उन्होंने बरी कपड़े पहने हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुंह फेर लिया और फरमाया, अस्मा जब औरत बालिग हो जाए तो जायज नहीं कि मुंह और हाथ के सवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। एक हदीसे मुबारका का मफहूम है कि कुर्बे क्यामत में ऐसी औरतें होंगी कि उन्होंने बज़ाहिर कपड़े पहने होंगे मगर वो बरहुना होंगी। इन अहादीस में दो बातों पर गौर करने की जरूरत है, वो दो चीजें कपड़े और पर्दे हैं। ऐसे कपड़े पहनना कि जिनमें जिस्म झलकता हो ये जायज नहीं है, यानी कि जिस्म नजर आता हो, और उन्हें कपड़ों के हुक्म में चुस्त कपड़े भी पहनना जिन्हें आजकल स्किन फिटिंग के कपड़े कहा जाता है, जो जिस्म से बिल्कुल मिले हुए होते हैं और जिस्म के खतूत और ढील डोल नुमाया नजर आते हैं, यानी कि जिस्म पूरी तरह वाजे तौर पर दिखाई देता है, ऐसे कपड़े पहनने के बारे में मना किया गया है। ऐसे कपड़े पहनना नाजायज है और हराम है और क्यामत की निशानियों में से है और इसे बरहुना शुमार किया जाएगा। दूसरा मसला पर्दे का है। हदीसे मुबारका से यह वाज़े होता है कि अगर औरत का हाथ और मुंह खुला हुआ हो ये महरम के सामने पर्दे के मुनाफी नहीं है। हाथ और मुंह का खुला रखने की इजाजत हर शख्स के सामने नहीं बल्कि अपने महरम अफराद के लिए है, जैसे वालिद, भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, इसी तरह नाना, दादा, चाचा, मामू वगैरह है, या जहाँ जरूरत हो वहाँ खुला रखा जाए, इस तरह वहाँ जहाँ फितने का अंदेशा न हो। इसके अलावा वो अपना पूरा जिस्म महरम वगैरह महरम सबसे छुपाकर रखे और ये उसके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन गैर महरम के सामने चेहरा और हाथ भी छुपाने होंगे क्योंकि आजकल फितने का मरकज चेहरा ही है और यही उलमाए हक का फतवा भी है। दोस्तों, इस्लाम ने इस बारे में मुकम्मल तौर पर तालीमात हमें दी हैं और हमें बताया है कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से पर्दे का इख्तमाम करना है। औरतों के पर्दे के हवाले से भी कहा गया है और मर्दों के पर्दे के हवाले से भी कहा गया है। औरतों के पर्दे के हवाले से एक हदीसे मुबारका में आता है कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज है क्योंकि
जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे बहकाने के लिए मौके तलाश करता है। औरत के पर्दे को इस कदर अहमियत दी गई है कि इसके लिए इबादत भी पर्दे के बगैर और बेपर्दा जगह पर करना मना फरमाया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का कमरे में नमाज पढ़ना घर के आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अंदरूनी खोटरी में नमाज पढ़ना कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी औरत जिस कदर भी पर्दा करेगी उसी कदर बेहतर है। सहन में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे में नमाज पढ़ना अफजल है और कमरे में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे के अंदर बनी हुई कोठरी में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। यहाँ पर यह अमल भी काबिले जिक्र है, जैसे किसी भी मर्द का किसी खातून पर नजर डालना दुरुस्त नहीं और पहली नजर की माफी के बाद दूसरी निगाह डालने से मना किया गया है, ऐसे ही खवातीन को भी हुक्म है कि वो मर्दों पर नजर ना डालें। दोस्तों, क्यामत की जो निशानियां बयान की गई हैं उसमें ये निशानी भी बयान की गई है कि जो फहाशी है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर आज हम अपने माशरे में देखें तो हमें फहाशी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अगर स्टूडेंट्स को देखे जाए तो उन्होंने ऐसे लिबास जो हैं ज़ेबतन किए होते हैं जो इस्लाम के अहकामात के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इस्लाम ने उनको नाजायज करार दिया है और उनके बारे में मना किया गया है। हमारे माशरे में जितना भी फितना फैल रहा है इन्हीं वजहों से फैल रहा है और इसको इस्लाम ने इस चीज की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी। हमें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए आखिरत में इसके लिए बहुत सख्त अजाब है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें पहले से ही आगाह कर दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करें कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। सामने से हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो नबीना थे तशरीफ लाए और ये वाकिए पर्दे के हुक्म दिए जाने से बात का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे तुम दोनों पर्दा करो। हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या ये नबीना नहीं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी अंधी हो, इन्हें नहीं देखती? तो दोस्तों, इस हदीस मुबारक से साबित होता है कि खवातीन को भी पर्दा करने के बारे में कहा गया है कि मर्दों से उन्हें भी पर्दा करना चाहिए और निगाह नहीं डालनी चाहिए, वो मर्द बसारत से महरूम ही क्यों ना हो। इस्लाम में किसी के घर बा इजाजत निगाह डालने की इजाजत नहीं है। इसी सिलसिले में मस्कुरा हदीस शरीफ में बयान है, हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने इजाजत मिलने से पहले पर्दा उठाकर किसी के घर में नजर डाली गोया कि उसने घर की छुपी हुई चीज देख ली और उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल ना था, फिर अगर अंदर झांकते वक्त कोई उसकी आंखें फोड़ देता तो मैं उस पर कुछ ना कहता यानी बदला ना दिलाता। अगर कोई शख्स किसी ऐसे दरवाजे के सामने से गुजरा जिस पर पर्दा ना था और वो बंद भी नहीं था, फिर उसकी घर वालों पर नजर पड़ गई, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं बल्कि घर वालों की गलती है। दोस्तों, इस्लाम में पर्दे के हवाले से बहुत सख्त अहकाम दिए गए हैं और बहुत सख्ती से कहा गया है कि इस पर अमल करना चाहिए और जो लोग इन पर अमल नहीं करते उनको सख्त सजा दी जाएगी, उनके बारे में सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बताया है कि इंसान ने किस तरह से पर्दा करना है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें मालूम होता है कि पर्दे के हवाले से क्या चीजें बताई गई हैं और इसकी वजह से कहा गया है कि माशरे में एक बुराई फैलती है, बेहयाई फैलती है और फहाशी जो है वो आम हो जाती है। आज हमारे माशरे का हाल भी कुछ ऐसा ही है, हर तरफ हमें फहाशी दिखाई देती है और इस जमाने को कहा जाता है जिस जमाने में फहाशी आम होगी वो जमाना क्यामत के बहुत ही करीब का जमाना होगा, यानी कि क्यामत को ज्यादा वक्त दूर नहीं रहा होगा। आज भी देखा जाए तो ऐसा ही है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्यामत का वक्त आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आता जा रहा है। दोस्तों, हमें पर्दे का खास इहतमाम करना चाहिए क्योंकि मरने के बाद हमसे इस बारे में सवाल किया जाएगा और हमें इसका जवाब देना होगा और जो लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जो लोग पर्दे का इहतमाम नहीं करते होंगे उनके लिए सख्त वहां पर अजाब तैयार किया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।